नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। पंचतंत्र की कथा का अगला भाग हम आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले भाग अगर आपने नहीं सुने हैं तो पिछले भाग अवश्य सुने। पिछले भाग में आपने जाना था किस प्रकार पिंगलक नामक सिंह जलपान करने के लिए यमुना के किनारे आता है और एक भयानक आवाज़ सुनकर वटवृक्ष के नीचे बैठ जाता है। उसको भयभीत देखकर उसके पीछे आ रहे उसके पुराने मंत्री आपस में बात करते हैं कि हमें अपने सरदार से जाकर, अपने राजा से जाकर बात करनी चाहिए। तो उसका जो मंत्री है कर्कट, वह कहता है कि हमें इन बातों से क्या लेना देना, बिना कार्य के किसी कार्य में हस्तक्षेप करने से हम कील उखाड़ने वाले वानर की भांति विनाश को प्राप्त हो सकते हैं। दमनक ने पूछा था कि कैसे, तो आइए किलोत्पाटी वानर कथा आरंभ करते हैं। किसी बनिए ने नगर में के पास में एक वन में देव मंदिर बनवाना आरंभ करा तो उसके कार्य करने वाले मजदूर और कारीगर दोपहर के समय भोजन करने के लिए घर आ जाते। एक दिन अकस्मात वानरों का एक झुंड वहाँ पहुँच गया और उछल कूद करने लगा। उन्होंने अर्जुन वृक्ष का एक खम्भा बीचों बीच से चीर कर एक खूंटा गाड़ कर छोड़ दिया था। उछलता कूदता एक वानर वहाँ पहुँच गया जिसकी मृत्यु सन्निकट आ गई थी और उस खूंटे पर जाकर बैठ कर उछलने लगा तो उसके दोनों अंडकोश उससे फंस कर दब गए। इसी कारण कहा जाता है कि व्यर्थ का कार्य करने वालों का परिणाम वानर की भांति होता है, इसीलिए व्यर्थ के कार्य कभी नहीं करने चाहिए। तो राजा के भोजन से हमें भोजन मिल ही जाता है, फिर व्यर्थ के प्रपंच में पड़ने से क्या लाभ। कर्कट के ऐसा कहने पर दमनक ने कहा कि जान पड़ता है आप केवल भोजन के लिए ही जीते हैं, या ठीक बात थोड़ी ही है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति मित्रों के उपकारार्थ अर्थात मित्रों की मदद करने के लिए जीता है, और पेट कौन नहीं भर लेता, किंतु पेट भरना जीना तो नहीं होता। पक्षी भी अपनी चोंच से भर लेते हैं पेट अपना, क्या उनका जीवन कोई महत्व रखता है। इस विश्व में उसी व्यक्ति को दीर्घायु होने का अधिकार होना चाहिए, अर्थात उसी व्यक्ति को दीर्घायु होना चाहिए जिसके जीने से अनेक व्यक्तियों का जीवन चलता हो, और गुणों से संपन्न व्यक्ति को राजा की शरण में ही लेना चाहिए। और इसीलिए बिना किसी गुण के कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक जी लेता है तो वह किसी काम का नहीं, क्योंकि कौवा भी अपने पेट को भरता रहता है, किंतु उसका जीना क्या जीना कहा जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपने द्वारा दूसरों और स्वजनों का उपकार नहीं किया हो, उनका भला ना किया हो, दीनों के प्रति दयाभाव ना दिखाया हो, सेवकों के प्रति सहानुभूति ना दिखाई हो, उसका प्रदर्शन ना किया हो, उस व्यक्ति के जीने से इस विश्व को क्या लाभ हो गया। कौवे की तरह, काक की तरह केवल पेट पालने के लिए जीवित रहना व्यर्थ है। केवल वर्षा काल में उबलने वाली छोटी छोटी नदियाँ थोड़े ही जल से भर जाती हैं, और चूहों की अंजलि भी थोड़े ही खाद्यान्न से भर जाती है। ठीक उसी प्रकार उद्योगहीन लघु व्यक्ति भी थोड़े ही धन में संतुष्ट हो जाता है और पुनः उद्योग छोड़ देता है। माता की युवावस्था को नष्ट करने वाले उस पुत्र से क्या लाभ, जिसने कभी मात्र जन्म ग्रहण किया उसके बाद से कोई महत्व का कार्य ना किया हो। ऐसे व्यक्ति का जन्म व्यर्थ समझना चाहिए। परिवर्तनशील इस विश्व में कौन जन्म नहीं लेता और कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, किंतु सभी का जन्म सार्थक नहीं होता। केवल पौरुष के दम पर संपत्ति से भी बढ़कर यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले लोग इस विश्व में सार्थक जन्म होने वाले माने जाते हैं। नदी के तट पर उत्पन्न होने वाले उस तरण का भी जन्म सफल हो जाता है जब वह जल में डूबते हुए किसी व्यक्ति को उसका सहारा देता है और डूबने से बचा लेता है। स्थिर उदार चरित्र के सज्जन व्यक्ति जो विश्व को कांटों से दूर करने का प्रयास करते हैं, इस संसार में विरले ही उत्पन्न होते हैं। जब के भार में मंद गमनशील उन्नत गमन वाले लोक कष्ट को दूर करने वाले जो मेघ होते हैं, वो कभी कभी ही दिखाई देते हैं। विद्वान व्यक्ति माता के गौरव का कारण बनते हैं, और इसी कारण विद्वान व्यक्तियों का होना श्रेष्ठ माना जाता है। शक्ति के रहते हुए भी जो व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता, उसको तिरोहित करता है, उसको नष्ट करता है, वो व्यक्ति भी अपमानित होता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि काष्ट जो होता है उसके अंदर अग्नि किसी काम की नहीं होती। लकड़ी के अंदर की अग्नि जो उसके अंदर होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती, लोग उसको पार कर जाते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जब वो अग्नि उस काष्ट के अंदर से, उस लकड़ी के अंदर से प्रकट होती है तो लोग उसको पार नहीं कर पाते, उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर पाते। इसलिए अगर शक्ति है तो अच्छे कामों में उसका उपयोग अनिवार्य है, लोगों की भलाई के लिए उसका उपयोग अनिवार्य है। अगर आप उसका उपयोग नहीं करते तो आप नष्ट हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, ठीक उस लकड़ी के समान आपकी मर्यादा नष्ट कर दी जाती है, आपको अपमान सहना पड़ता है। दमनक की बात को सुनकर कर्कट ने कहा कि जब
हम दोनों अनाधिकारी हैं, पद से हटे हुए हैं, तो राजा के विषय में जानने का प्रयत्न करने से क्या लाभ। जो मूर्ख बिना कारण राजा के समक्ष कुछ कहता है वह अपमानित होता ही है, साथ साथ उसका उपहास भी होता है। और मनुष्य को अपनी वाणी का उपयोग उसी वक्त करना चाहिए जिस जब उसके प्रयोग से कुछ लाभ हो, उसकी वाणी का प्रयोग का प्रभाव स्थायी हो। श्वेत वस्त्र पर पड़ा हुआ रंग ही अमिट छाप छोड़ता है और पूर्ण प्रभावकारी होता है, इसीलिए उचित स्थान पर प्रयुक्त वाणी ही सार्थक होती है। कर्कट के उक्त वचनों को सुनकर दमनक ने कहा, नहीं नहीं भाई, यहाँ मत बोलो, क्योंकि राजा की सेवा में तत्पर रहने वाला अप्रधान व्यक्ति भी प्रधान बन जाता है और राजा की सेवा से विमुख होने वाला प्रधान भी अप्रधान रह जाता है। अर्थात कि वाणी का उपयोग सोच समझ के करना चाहिए तो हम बोले ही ना। लेकिन कर्कट ने दमनक ने कहा कि राजा के जो सामने रहता है, राजा की प्रवृत्ति लता के भांति होती है, उसके जो भी सामने होता है वो उसी को स्नेह करता है। अगर उसके सामने उससे सन्निकट संबंध में कोई व्यक्ति नहीं है तो वह कितना ही उसका खास हो, कितना ही उसका प्रिय हो, धीरे धीरे उसका प्रिय नहीं रहता। इसलिए राजा के सानिध्य में होना बड़ी बात होती है। जो जो राजसेवक राजा से कुपित होने पर, प्रसन्न होने पर उसके कारण जान लेते हैं कि राजा कुपित क्यों हुआ, प्रसन्न क्यों हुआ, और उसके बाद उसी के अनुसार आचरण करते हैं, तो अवसर आने पर वो राजा को संतुष्ट कर लेते हैं, अगर वो असंतुष्ट भी हो जाए। विद्वान, महत्वाकांक्षी, शिल्प कलाओं से निपुण व्यक्ति या कलाकार और गुणी व्यक्ति राजा को छोड़कर किसी का आश्रय नहीं लेता, क्योंकि उसे उचित सम्मान दूसरा कोई नहीं दे सकता। जो व्यक्ति अपने कुल और जाति के अभिमान में आकर राजा का सानिध्य नहीं प्राप्त करता, उसके लिए भिक्षाटन ही एकमात्र रास्ता बच जाता है। जिन व्यक्तियों ने यह कहा है कि राजा को प्रसन्न रखना बहुत कठिन होता है, उन्होंने आलस्य, प्रमाद, मूर्खता आदि में अपनी अयोग्यताओं के कारण ही प्रस्थापन किया है। अर्थात अगर सर्पों, व्याघ्रों, गजों और सिंहों को यह बात पता लगा जाती है उनको देखकर कि उत्साही और बुद्धिमान व्यक्ति जो लगातार प्रयत्न करता है वो उनको वश में कर सकता है, तो राजा को वश में करना कौन सा कठिन कार्य है। अर्थात हिंसक पशुओं को वश में कर लेने वाले बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए मनुष्योचित गुणों वाले राजा को अनुकूल कर लेना अत्यंत सरल होता है। राजा का आश्रय प्राप्त करने के उपरांत ही विद्वान व्यक्तियों की ख्याति दूर दूर तक होती है। राजाश्रय के अभाव में उनका उचित विकास नहीं हो पाता, जैसे मलय पर्वत के अभाव में चंदन का विकास नहीं हो पाता। राजा को प्रसन्न कर लेने पर वस्त्र, धन, दौलत इत्यादि वस्तुएं अनायास ही मिलती रहती है। यहाँ राजा से तात्पर्य किसी बड़े व्यक्ति से, जो अच्छा धनवान हो, साथ ही हित जानने वाला हो, उस तरह के व्यक्ति से है। और कर्कट कहता है कि अंतोगत्वा आपकी जो बात है कि राजा की बात करने से, राजा के सानिध्य में रहने से हमें चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं, वो तो सही है, किंतु इससे आपका तात्पर्य क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं उसके सामने, राजा के पास जाने से उससे क्या होगा। तो आगे की बात इस कथा के अगले भाग में हम आपको बताएंगे। एक बार पुनः हम उन बातों को दोहरा लेते हैं, जो शिक्षाओं को दोहरा लेते हैं जो हमने इस कहानी से सीखी। इस कहानी के अंदर जो शिक्षाएं हैं उनका हम एक बार दोहराएंगे उनको, कि व्यर्थ का कार्य करना हमेशा हानिकारक होता है। प्रथम बात, जीने का अर्थ मात्र पेट भरना नहीं होता, इसीलिए दीर्घायु वही होना चाहिए जो दूसरों के लिए जीता हो। अर्थात दूसरों के लिए जीना अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है, और वरना अपने आप के लिए तो कौवा भी जी लेता है और वो भी लंबी आयु प्राप्त करता है। शक्ति होते हुए भी उसका उपयोग जो नहीं करता है ना, उसको अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि लकड़ी के भीतर की अग्नि किसी काम की नहीं होती, लोग उसकी मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। वाणी का उपयोग वहीं करना चाहिए जहाँ वो स्थायी प्रभाव छोड़ती हो और उससे कुछ लाभ हो। श्वेत वस्त्र पे पड़ा हुआ रंग ही स्थायी होता है। राजा और लता दोनों का स्वभाव एक सा होता है, अपने सन्निकट जो होते हैं ये लोग उन्हीं से प्रेम करते हैं, इसीलिए सन्निकट उनके बने रहना चाहिए। प्रसन्न और कुपित होने के कारणों को अगर जान लिया जाए तो राजा को मनाया जा सकता है, वक्त आने पर उसको संतुष्ट किया जा सकता है और उसको वश में किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि राजा को वश में करना कठिन है, किंतु ऐसे लोग आलसी और प्रमादी होते हैं, क्योंकि शिल्प कला से निपुण और गुणी व्यक्तियों को तो सिर्फ राजा का आश्रय ही लेना चाहिए। राजा ही उनके लिए सबसे मददगार साबित होता है, वही उनके गुणों की प्रशंसा कर सकता है, उनका
गुणों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। सर्प, हाथी, व्याघ्र, सिंह जैसे हिंसक पशु भी वश में किए जा सकते हैं। तो मानवीय गुणों से संपन्न राजा को वश में करना कौन सा कठिन कार्य होता है? इसीलिए राजा को वश में करने के लिए सतत उसके संपर्क में रहकर प्रयत्न करना चाहिए। अब इससे आगे की कथा अगले भाग में हम आपके लिए लेकर आएंगे, और इसी के साथ ऐसी और पंचतंत्र की कथाओं के लिए, वैदिक विचारों के लिए, नीति वचनों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कीमती सुझाव कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।